हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की हिंदी में, ठीक है, जो कि 18, 19, 20 और 21 जुलाई 2020 के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू तो करेंगे, साथ में ही उनसे जो भी जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है, हाल ही में किस राज्य ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने अभी ये जो था कि कोरोना के इलाज हेतु जो फीस सरकार ने निर्धारित करी है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे और कितने रुपए तक डिसाइड की है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड ऑक्सीजन मेडिकल सहायक एडमिशन फीस लगाकर ₹10,000 तय किए गए हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमाने तरीके से, ठीक है, जो भी कोविड पेशेंट एडमिट होता है, अगर उसे सरकारी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पे नहीं एडमिट हो पा रहा है या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है, तो वहाँ पे वो हर एक हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना एक पैमाना है चार्जेस करने का। ठीक है, तो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने खुद 3 श्रेणी में फीस को निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो वही NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स के लिए ₹9,000 और राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है और इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार और अस्पताल में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मैथ्यू लेकी, मैथ्यू रियान या माइकल जेडेनिक या टॉम रोजिक? वो है माइकल जेडेनिक, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल टीम की कैप्टन है और जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेलवे भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर है 3.5 साल में। ठीक है, भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा, उन्होंने कहा है। यानी कि कौन, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा, उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। ठीक है, अब किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? राइट आंसर है ट्यूनिशिया के। ठीक है, उन्होंने देखा कि काफी टकराव चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो अपनी देश की सुरक्षा को लेकर के, यानी कि ज्यादा मतभेद ना हो, दंगे ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इन सारी चीजों को हित में रखते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नए व्यापार मार्ग खोले हैं? पाकिस्तान, चीन, ईरान या भूटान? राइट आंसर है भूटान। ठीक है, भूटान जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री, पूरा हिल, हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली वहाँ पे हिल रीजन है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। इन फ्यूचर, भविष्य में कभी मौका मिले आप लोगों को तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के
जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके बीच में कहां पर ये नया मार्ग खोला गया है। ये पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच में इसे खोला गया है। जयगांव और पसाखा के बीच में यह लिंक इस कोरोना के समय दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा को प्रदान करेगा। ठीक है गाइस, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राइट आंसर है ब्रेटली। ठीक है, विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 15 जून या 16 जुलाई? राइट आंसर है 16 जुलाई। ठीक है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका? राइट आंसर है कर्नाटका, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में कोरोना के कारण निधन हो गया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? राइट आंसर है 1 साल के लिए। दिल्ली सरकार ने तंबाकू और उससे रिलेटेड यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें तंबाकू उत्पाद पाया जाता है यानी कि तंबाकू होता है तो उनको 1 साल तक बैन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19, क्योंकि लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी तंबाकू या कुछ उससे रिलेटेड गुटखा पान मसाला ये सारी चीजें, तो जगह जगह पे वो क्या करते हैं थूकते हैं और जिससे क्या होता है कोविड-19 फैलने का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है और राज्य में तंबाकू नियंत्रण सेल की प्रभारी डॉक्टर बीएस चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है और इसके अलावा पान मसाला, लौंग, इलायची के साथ भी तंबाकू को मिलाकर बेचा जा रहा है जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले में 700 मेगावाट का आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो है चीन। ठीक है, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान का माई बाप है और पीओके जो भी पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जहां के दो हिस्सों में ऑलरेडी चाइना का कब्जा है। ठीक है, ग्वादर फोर्ट में ऑलरेडी चाइना का कब्जा है, वहां पे वो अपनी मिलिट्री बेस बनाना चालू भी कर चुका है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट इमेज आई थी जिसके जरिए पता लगा कि वहां पे ग्वादर फोर्ट में चाइना, ठीक है, अपनी मिलिट्री बेस को बना रहा है। झेलम नदी पर स्थित आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो कि $2.4 अरब की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान अधिकृत गलियारे जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, और भारत ने इस परियोजना का कड़ा विरोध जताया है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्किमिस्तान के भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विधु पी नायर को। ठीक है गाइस, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? वो है हेमंग अमीन को। ठीक है,
छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है, वो है गोधन न्याय योजना। काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौ पालक किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी और अब तक राज्य में 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है, राज्य सरकार जो है वो किसानों को एक एम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, और साथ ही साथ उनसे खरीद करके वो उसका कंपोस्ट खाद बनाएंगे। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण हेतु गिनेश बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, वो है भारत। ठीक है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एलएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति दी है? 50 मिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच चुके हैं? 3रे स्थान। ठीक है, यूएई ने जापान स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? होप मॉस मिशन, गो मॉस मिशन या नेक मॉस मिशन या होल मॉस मिशन? तो राइट आंसर है होप। ठीक है, होप मॉस मिशन सऊदी अरब, यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। यूएई ने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है? होप मार्स मिशन। यह अरब का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। इससे पहले होप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन के लिए टाल दिया गया था। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 20 जुलाई को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडल को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? एचसीएल टेक का। ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडल को किसी सूचीबद्ध भारतीय आईटीएन की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी एससीआई टेक टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। ठीक है, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने की आसार है? 20%, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, हमें सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से टू मंथ तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, एयरलाइंस बंद थी, सब कुछ, इवन कुछ भी नहीं चालू था। ठीक है, तो जिसके चलते काफी लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी और अभी भी जा रही है जॉब। ठीक है, आपने न्यूज में सुना होगा, एयर इंडिया ने एक नोटिस जारी किया अपने एम्प्लॉयज के लिए कि कुछ एम्प्लॉयज को उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज को विदाउट पे 5 साल के लिए लीव पे भेज दिया जाएगा। लेकिन जो उसमें वहां के जो एम्प्लॉय हैं एयर इंडिया के, उन्होंने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, कि 5 साल तक हम वेट नहीं कर सकते, विदाउट पे लीव पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, और एक और सर्कुलर निकाला है उन्होंने कि जो लोग कंपनी के साथ कार्यरत रहेंगे उनका 2 साल तक या समथिंग 1 या 2 साल तक या शायद 3 साल तक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 3 साल तक में भी उनका 30% वेतन जो सैलरी है उसको कट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, कोविड-19 की वजह से काफी सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था क्या विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। ठीक है, किस आईआईटी संस्था ने
इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, राइट आंसर है। ये जो आईआईटी मद्रास ने एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर के एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जो तैयार किया है, इसमें क्या होगा कि 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल में मेडिकैप का नाम दिया गया है, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम और एक मेडिकल रूम और वार्ड और एक 3 बेड आईसीयू भी शामिल होगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? राइट आंसर है उत्तराखंड ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू भी कर दी गई है। 281 पंचायतें प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती करेगा। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? वो है इजराइल। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 के विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है कतर में। ठीक है, फीफा ने घोषणा की है 2022 का जो विश्व कप है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की है। 2022 का जो फीफा विश्व कप है अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल, ठीक है ना, देश में भी पहला होगा। इससे पहले किसी मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्री में ये कभी फीफा का आयोजन नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।